हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सेरेडेल क्रिएसन यूट्यूब चैनल। आज तपाईहरु समक्ष चाहिँ एउटा जरूरी जानकारी लिएर आएको छु। सबैले मलाई मेसेजमा कमेन्टमा गर्नुहुन्छ, टिकटकमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ र पर्सनल व्हाट्सएपमा गाइडलाइन दिँदै गर्दा पनि सोध्नुहुन्छ कि जब चेन्ज कसरी गर्न सकिन्छ रोमानियामा, है चेन्ज गर्न सकिन्छ सकिँदैन, रोमानियाबाट इलिगली मान्छेहरू धेरै गइरहेछन्, लिगली चाहिँ यहाँबाट पोल्यान्ड पोर्चुगल र यहाँदेखि अरू कन्ट्रीहरू जान सकिन्छ सकिँदैन भनेर धेरैको क्वेसन आएको छ। उहाँहरूको चाहिँ उत्तर दिनको लागि, एन्सर दिनको लागि आज मैले यहाँ धेरै लामो समयदेखि बसिरहनु हुने एउटा इन्डियन साथीसँग भेट भएको छ। उहाँसँग धेरै समय कुरा लामो कुरा गरेँ र उहाँबाट धेरै राम्रो इन्फर्मेसनहरू पाएको छु। बाँकी दिनहरूमा उहाँले भन्नुभएको कुराहरू सबै कुरा भन्छु। आज तपाईँलाई उहाँसँग कुरा गरेर उहाँकै मुखबाट चाहिँ कम्पनी चेन्ज सम्बन्धी यहाँदेखि बाहिर जानलाई अब के गर्नुपर्छ, अझै कम्पनी चेन्जको लागि के चाहिन्छ, यहाँ बाहिर जानलाई के चाहिन्छ, त्यो बारेमा सोध्छु उहाँलाई। ओके दोस्त, वेलकम टु सेरेड क्रिएसन युट्युब च्यानल। आपको नाम बताइए प्लिज सर। मेरा नाम जीतू है। जीतू, थैंक यू सो मच। आर यू फ्रॉम इंडिया? यस, गुजरात। और आप बता दीजिए कि भाई लोग मेरे सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स और मेरा यूट्यूब चैनल में जो फॉलो कर रहा है मेरे को, उस सारे लोग को बता दीजिए कि रोमानिया में आकर काम कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। देखो बेसिकली अभी क्या, पहले आज से तो एक साल पहले ये सारा हो जाता था कि आप कहीं भी काम करिए, एक महीना दो महीना तीन महीना परमिट से दे रहे, उसके TRC के बाद आप कहीं भी जॉब चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी जो नया रूल्स आया है एम्बेसी का, उसके हिसाब से आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको एक साल मिनिमम कहीं भी काम करना पड़ेगा। रिलीज लेटर चाहिए, रिलीज लेटर के बिना आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। तो मतलब नया आविज दे मुमका या परमिट, वर्क परमिट आप नया इशू नहीं करवा सकते, वो आप करने जाएंगे रिजेक्ट ही हो जाएगा। मतलब रिलीज पेपर आपको इम्पोर्टेंट है, वो चाहिए ही चाहिए। अगर तीन महीना काम कर रहे हो, चार महीना काम कर रहे हो, अगर कंपनी आपको रिलीज पेपर दे रही है तो वेल एंड गुड है, बट अभी तो ऐसा कोई दे नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि आपको एक साल कंप्लीट करना ही है कहीं भी, उसके बाद ही आपको रिलीज पेपर इशू होगा। ओके दोस्त, और आप ये बता दीजिए कि सारे लोग इधर आके कुछ अच्छे कंट्री में जाने चाहता है, हाँ जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कैटेगरी, जो सारे लोग इलीगल डंकी लगा के इधर से जा रहे हैं, डंकी लगाने से कितना मुसीबत झेलना पड़ता है आप लोग मालूम? तो देखो तो आप तो बता दीजिए सारे लोग, इलीगल काम तो इनलीगल ही होता है, वो तो सभी को पता है, तो बेटर है कि यहाँ से लीगल काम सारा कुछ होता ही है। तो कृपया करके मैं विनती करता हूँ कि इनलीगल काम ना करें, जो भी है लीगल तरीके से जाए, और लीगल तरीके से सारा कुछ होता ही है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल ही है, सारा कुछ होता है, आप जा सकते हो अपने बगल की कंट्री में। सो इनलीगल प्लीज़ ना जाए, जो है लीगल तरीके से कहें, थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा चलेगा, बट लीगल तरीके से जाए। ये भाई लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ये बता रहे कि आप लोग इलीगल यहाँ से डंकी लगा के मत जाइए, तो प्लीज़ अनुरोध कर रहा है। तो गाइस, इलीगल डंकी लगा के मत जाइए यहाँ से, और लीगली जाने के लिए क्या क्या हमारे लिए आवश्यक पड़े वो भी बता दीजिए भाई साहब। डिपेंड करता है कौन सी प्रोफाइल है, अभी कौन सी जॉब है, मतलब कौन सी कैटेगरी में है। वैसे ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम तो होता ही है, हर जगह फार्मिंग का काम होता है, कंपनीज काम आते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सी प्रोफाइल कहाँ सूट हो रही है, उसके बाद हम देखते हैं ये कहाँ सूट होगा, कौन सी कंपनी। और इधर से मैंने सुना है कि डंकी के लिए 2500 3000 3500 यूरो ले रहा है, और सारे लोग बता रहे हैं इधर से कैसे जा सकते हैं, कौन से काम में जा सकती है बोल रहे हैं, और कितने लगता है लीगली जाने के लिए, लगभग कितने लगता है, ऐसे आपके अनुमान से कितने लगता है? अनुमान से तो 3500-4000 यूरो में हो जाता है, तो बहुत अच्छा सारा लीगल काम है, बहुत सारे एजेंट हैं, अगर चाहे तो मैं ही आपको नंबर दे दूँगा, बहुत सारे एजेंट हैं जो काम करते हैं। इन लीगल से तो बेटर है, लीगल रहोगे आप 2 साल अच्छे से रहोगे, इन लीगल में क्या भरोसा, पहुँचो नहीं पहुँचो पैसे का नुकसान। सो थैंक यू। और आप लोग इलीगली से जाने के लिए बहुत से खतरे रास्ते में मिल सकता है, लेकिन आप लोग लीगली जा सकते हैं, अच्छी तरह से जा सकते हैं, बिना हिचकिचाकर, और जितने लगता है आपके लीगल जाने से पैसा, उतने से थोड़ी
थोड़ी ज़्यादा देने से लीगली जा सकते हैं। और लीगली इधर से जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मतलब रिलीज पेपर, PRC कार्ड वगैरह? PRC चाहिए, रिलीज पेपर की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर दूसरी अदर कंट्री में जा रहे हो तो ज़रूरत नहीं, और TRC की वैसे ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट में ही हो सकता है, बट TRC होना जरूरी अच्छा है। मतलब अगर कोई आदमी के पास ऐसे ही काम मुश्किल लग के वो काम नहीं कर सकता है सपोज, और वो भाग के दूसरी जगह में काम कर रहा है इलीगल, उसके पास तो TRC कार्ड नहीं मिलेगा, तो वो जा सकता है कि नहीं बाहर दूसरे कंट्री? जा सकता है लेकिन लीगली, मैंने बोला लीगली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि पोलैंड जा सकते हैं, वो पॉइंट निकाल जा सकते हैं, माल्टा भी जा सकते हैं, माल्टा जा सकते हैं, और उससे उससे भी अच्छा कंट्री यूरोप, मतलब के सारे यूरोप में ऑलमोस्ट आप जा ही सकते हो, ऐसा नहीं जर्मनी इटली फ्रांस का भी निकल सकता है वो पॉइंट, डेनमार्क नेदरलैंड्स। अभी वहाँ पर कैसा है कि क्वालिफिकेशन क्या है आपका उसके ऊपर, जैसे कि जर्मनी है इटली फ्रांस, इसके ऊपर क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है, मतलब क्वालिफिकेशन स्किल क्या है आपके पास, जो स्किल वर्कर के वहाँ पर चल रहा है स्किल, जैसे कि कुक, ड्राइवर, और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। थैंक यू सो मच आपके लिए, बहुत से धन्यवाद, आपके ये इंटरव्यू सारे लोग के पास पहुंचेगा और सारे लोग को जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिला अभी, सब लोग आपको शुक्रिया अदा करेगा। और कोई आदमी अगर इधर से लीगली बाहर जाने के लिए सोच बना रहे हैं तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं अपने तरफ से कांटेक्ट दे दूंगा कौन से एजेंसी, और आप बात करके उसके बात करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप जा सकते हैं। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। ओके, जय देश, जय नेपाल, बाय बाय।